हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बालों के लिए हेयर पैक लेकर आई हूं, जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पैक मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि इस पैक के इस्तेमाल से आप अपने गंजेपन को दूर कर सकते हैं, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप उसको घना बना सकते हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पैक को बनाना बहुत आसान है। इस पैक को अगर आप लगाते हैं तो अगर आपकी चोटी बहुत ज़्यादा पतली है तो आपकी चोटी धीरे धीरे मोटी होने लगेगी, क्योंकि इसमें हमने मेथी का इस्तेमाल किया है। मेथी के इस्तेमाल से हमारे बाल जो हैं बहुत तेज़ी से घने होते हैं और साथ ही साथ आपके बालों का जो टेक्सचर है उसमें भी सुधार आएगा। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे बेजान से रहते हैं, बालों की लंबाई आपकी नहीं बढ़ती है, तो इस हेयर पैक से आपके बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, रेमेडी को बनाने के लिए आपको जो मेन इंग्रेडिएंट लेना है वो है दही। दही हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दही आप एक पैकेट के तकरीबन ले लीजिए, एक पैकेट यानी कि आपको लेना है 5 से 6 चम्मच, अगर आपके बाल लंबे हैं तो। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 4 चम्मच भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, दही से बालों को पूरी तरीके से पोषण मिलता है। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए दही। ये बालों की कंडीशनिंग करता है और बालों को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दही लिया। इसके बाद हम इसमें मेथी सीड पाउडर ऐड कर रहे हैं। मेथी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है बालों के लिए। आपने देखा होगा पहले के समय के लोग मेथी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनके बाल टूटते भी नहीं थे, बाल बुढ़ापे तक ही मोटे रहते थे, लंबे बने रहते थे। लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं इसलिए हम इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए अगर आप अपने बालों को लंबा बनाना चाहते हैं। तब बालों को लंबा करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, रूसी को दूर करने के लिए मेथी बहुत अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर दो चम्मच के तकरीब मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है हिबिस्कस फ्लावर यानी कि गुड़हल के फूल का पाउडर। अगर आपका गंजापन है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर मैं भी 2 चम्मच के तकरीबन ही मैंने यहाँ पर गुड़हल का पाउडर लिया है। बस हमें यहाँ पर 3 ही चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ों के इस्तेमाल से हम अपने बालों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं होती है तो जो है कोई भी पैक आपके बालों में अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो हमने इसमें फेनुग्रीक पाउडर ऐड किया है, हिबिस्कस पाउडर ऐड किया है, वो अच्छे से दही में मिक्स हो जाए और जब हम बालों में लगा पाएँ तो हमारे बालों को फ़ायदा पहुँचे। तो 1-2 मिनट ही में ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इसकी मैं आपको एप्लीकेशन भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करना है। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो आपके बालों में कम पड़ जाएगा, पूरे बालों में अप्लाई नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ये आपके बालों में से टपकेगा। तो आप अपने बालों को सबसे पहले कॉम कर लीजिए ताकि आपके बालों में से सारी उलझने निकल जाएँ और आप आसानी से हेयर पैक को लगा पाएँ। आप एप्लीकेशन ब्रश के इस्तेमाल से भी आप पैक को लगा सकते हैं या फिर आप फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। आपको सबसे पहले अपने स्कैल्प में लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ मांग कर करके आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लगाएंगे तो आपके पूरे स्कैल्प में लग जाएगा और अगर पैक बच जाता है तो आप अपने बालों की लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये पैक सिर्फ वीक में एक बार लगाना है और सिर्फ आधे घंटे के लिए ही लगाना है। आप आधे घंटे के लिए ये पैक ज़रूर लगाएं। आपको हफ्ते में एक बार लगाना है और इसका रिज़ल्ट जो है अमेजिंग है। इसमें कोई झंझट भी नहीं है, आप आसानी से ही बना सकती हैं और इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरीके से पूरे बालों में लगा लीजिए और आधे घंटे के लिए ही आप अपने बालों में रखें, आधे से 45 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए माइल्ड शैम्पू से। और उसके बाद जब आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे तो आपके बाल एक तो पहले से सॉफ्ट हो जाएंगे, आपके धीरे धीरे बालों में शाइन भी ऐड
होने लगेगी। तो आप इसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने आईडी को नीचे मेंशन किया हुआ है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।